नमस्कार दोस्तों, मेरा मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये लाइव स्ट्रीम का वीडियो 3 है दोस्तों, पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताया था दोस्तों कौन कौन सा आपका सॉफ्टवेयर जो जो पड़ता है दोस्तों। सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ डिस्प्ले यानी कि स्क्रीन को कैप्चर करके आपको मैंने दिखलाया था OBS से, और आज मैं आपको दिखलाऊंगा आपका चेहरा यानी कि वेब कैम भी कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे डिस्प्ले भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना चेहरा भी वेब कैम को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपना डिस्प्ले भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज OBS यानी कि लाइव स्ट्रीम का पार्ट 3 है दोस्तों। तो पार्ट 1, पार्ट 2, 3 ऐसे करके आपको देखिए तो एकदम सिंपली समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको वेब कैम, अगर आपके पास लैपटॉप में वेब कैम है तो उसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास DSLR है तो आज मैं DSLR से आपको वेब कैम को यूज करके मैं आपको दिखलाऊंगा। जैसे आपको एक ऐसा कोड चाहिए, ये देखिए USB आपको एक कोड चाहिए और एक DSLR कैमरा चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास DSLR कैमरा नहीं है तो आप स्मार्टफोन को भी वेब कैम की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। सबसे पहले कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको जरूरत पड़ेगा, मैं पिछले वीडियो में आपको कोई सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको मैं बताया था, वो सॉफ्टवेयर आप OBS पर भी लोड कर लिए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको OBS, तो सबसे पहले आप OBS को इंस्टॉल करना है, मैं आपको बता रहा हूँ OBS को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है दोस्तों। मैं OBS को फिर से इंस्टॉल कर लेता हूँ, मेरे पास इंस्टॉल नहीं था, रिमूव हो गया था, तो मैं OBS को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ टिक हटा के ओके करेंगे। उसके बाद आपको चाहिए स्पार्क, ये स्पार्को कर, इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले आप देख लीजिए, नहीं तो इसका आप लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर क्लिक करके आप आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों को अगर आप, मैं वीडियो में लिंक डालूंगा वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। तो देखिए इसका आप कहाँ से लोड कीजिएगा, देखिए मैं OBS का लिंक डालूंगा, देखिए यहाँ पर लिखिएगा OBS डाउनलोड, तो देखिए साइट पर आप आ जाइएगा, यहाँ पर आप विंडो यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप एक होता है इसका आपको कैम, उसको भी डाउनलोड करने के लिए आपको उसका भी देखिएगा, ये वेबसाइट है, ये दोनों का मैं लिंक डालूंगा और यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं ये दोनों का, ठीक है। आप में सबसे पहले OBS को सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने OBS को मैंने क्लिक किया, ये OBS ओपन हो रहा है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट आपको आ जाना है यहाँ पर सेटिंग पर। सेटिंग पर आने के बाद सबसे पहले जनरल, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको इंग्लिश रखिएगा, और यहाँ से आप थीम्स इसका चेंज कर सकते हैं, डार्क डिफॉल्ट कैसा चाहिए इस तरह से इसका थीम्स, तो मुझे यही ठीक लगता है, यहाँ से थीम चेंज कीजिए, बाकी इसको सेटिंग छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ठीक रहता है। इसको मैं आपको रखना है गेमिंग, ठीक है ना, और इसको मैं ये रखना है यूट्यूब गेमिंग, इसको रखना है यही प्राइमरी यूट्यूब, ठीक है। और यहाँ पर आपको की भी मैंने आपको बताया था की कहाँ से कॉपी कीजिएगा, आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसको भी आपको फिर से बता देता हूँ। आपने जाना है यूट्यूब चैनल में, जाने के बाद अपना यूट्यूब अपना चैनल खोल लेना है। खोल लेने के बाद आपको यहाँ पर देखिए चित्र है, इस पर क्लिक करना है, डायरेक्ट गो लाइव में चल जाना है आपको। इसे गो लाइव में आप जाइएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा, देखिए इसको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, बस काम खत्म। इसको कर लेंगे मिनिमाइज, यहाँ से कॉपी कीजिए, उसके बाद करना है मिनिमाइज, ठीक है। और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल भी पेस्ट करके यहाँ से सिर्फ अप्लाई। उसके बाद आउटपुट में आना है, आउटपुट में आने के बाद अगर आपके पास ऐसा सिंपल होगा, ठीक है, तो सिंपल में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, सब ठीक ही रहता है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, सब देख लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इनकोडर में आपको सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, अगर आपके पास ग्राफिक्स वगैरह भी लगा होगा तो हार्डवेयर भी होगा, यानी कि सॉफ्टवेयर मतलब होता है क्या कि आपको खुद प्रोसेसर से आपको काम होगा, हार्डवेयर में अलग से कुछ ग्राफिक्स लगाए होंगे, ठीक है। 60 और यहाँ पर आना है दोस्तों रिकॉर्डिंग पाथ,
इसको छेड़छाड़ नहीं करना, आप जो भी है उसको ऐसा ही आपको लग रहा है उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग पाथ आप कहाँ देना चाहते हैं, मानी कि जो आप रिकॉर्ड होगा उसका वीडियो जो कैप्चर होगा कहाँ देना चाहते हैं, तो आप मैंने डेस्कटॉप पर मैंने आपको OBS वीडियो के नाम से मैं एक फोल्डर बनाया हूँ, तो कैसे बनाना है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आना है, ब्राउज में आना है और राइट क्लिक करके एक हम OBS ठीक है, OBS के नाम से, OBS वीडियो के नाम से मैं फोल्डर बना दे रहा हूँ, ठीक है, और इस पर सिलेक्ट करके कर दे रहा हूँ, और इसके बाद अप्लाई। बाकी यहाँ पर MP4 मैंने रखा हूँ, ठीक है, बाकी सब ठीक रहता है, ऑडियो ये सब ठीक रहता है, वीडियो ठीक है ना। आउटपुट में फिर हम आउटपुट में आते हैं, यहाँ पर देखिए सिंपल की जगह पर एडवांस कर दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वन देखिएगा, ये सब छेड़छाड़ नहीं करना है। ये क्या है, जो जिसके पास अगर एनवीडिया के मेरे ग्राफिक्स कार्ड है तो इसके शो कर रहा है, ठीक है, नहीं तो आपके पास ये शो करेगा। यहाँ पर देखिए आपको कैप्चर, यहाँ पर देखिए कैप्चर कितना करना चाहते हैं, स्क्रीन को कैप्चर कितना करना चाहते हैं, 1280x720 करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर से जितना आपको कैप्चर करना चाहते हैं आप यहाँ पर आपको कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं हम हमने रखा है 1920x1080, आप इतना भी रख सकते हैं, 1280x720, ठीक है, इतना भी आप रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि कहाँ पर जाना है, यहाँ पर एडवांस कर देना है, यहाँ पर स्ट्रीम आना है, यहाँ पर देखिए वन ये सब ऐसा ही लगा रहेगा, आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग है पाथ, ठीक है, ऑडियो ये सब छेड़छाड़ नहीं करना है, और आपको ये सब भी छेड़छाड़ नहीं करना, सब ठीक रहता है। वीडियो में भी आना है, यहाँ पर आपका आपका डिस्प्ले का कैप्चर आपको दिख रहा, स्क्रीन का रेजोल्यूशन आपको दिखलाएगा कितना आप रखना चाहते हैं। मैं तो कहूँगा इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ठीक है, बाकी आप इसको ओके कर दीजिए, यहाँ पर आपको काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको आना है, देखो सकता है क्या, जब आप ओपन कीजिएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पर आना है, सबसे पहले आपको डिस्प्ले क्या इस पर क्लिक करना है, ओके करना है, ओके करके सीधे ओके कर दीजिए, डिस्प्ले कैप्चर आ गया आपको साउंड, इधर देखिए यहाँ पर देखिए, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ पर मेरा जो माइक ये मैंने सेलेक्ट किया हूँ, ओके। और ऊपर वाला का क्या है, डिस्प्ले का ऑडियो है, ठीक है, ये डिस्प्ले का ऑडियो है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी USB है क्या है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर राइट क्लिक करके आपका माइक का भी चेंज कर सकते हैं, माइक्रोफोन USB जो भी है वह सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास देखिए डिस्प्ले कैप्चर भी आज कर लिए हैं, और उसके बाद मैंने मैंने आपको माइक को भी और ऑडियो को भी इतना ही करना, एकदम एकदम ईजी है, ठीक है। मैं फिर से आपको करता हूँ इसका डिलीट, आपके पास ऐसा होगा तो डिस्प्ले कैप्चर करने के इस पर क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट आपको डिस्प्ले कैप्चर पे आ जाएगा, ओके कीजिएगा और ओके कर दिए, बस इतने से डिस्प्ले कैप्चर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको वेब कैम को यहाँ पर शो करवाना है, तो वेब कैम के लिए मैं कैसे, ये कोड और DSLR कैमरा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये जो स्कॉर्पियो कैम है इसको आपको डायरेक्ट ओपन कर लेना है और कैमरा को आपको ऑन करना है। आपको जो डिस्प्ले जो DSLR कैमरा है उसको कोड लगा दीजिए USB में और कैमरा को ऑन कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ट्राई पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, निकॉन पर आपको मैंने क्लिक कर दिया, देखिए आपको स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए मेरा वेब कैम ऑन हो गया है। लेकिन मेरा वेब कैम तो क्या करना है, USB केबल लगा दीजिए और आपको कैमरा का ऑन कर दीजिए, लाइट में ऑन ऑन कर दीजिए आपको मैनुअल में, ठीक है। और जैसे ही आपको डिस्प्ले यहाँ पर आपको आ जाएगा, इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से इसका एपार्चर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एपार्चर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक
ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फिर आपको OBS को मैंने बंद कर दिया था, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ राइट क्लिक करना है, फिर ऐड में जाना चाहे यहाँ पे प्लस पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको देखिए वीडियो कैप्चर डिवाइस, इस पर क्लिक करना है, आपको ओके करना है। इसे ओके कर कीजिएगा, देखिए मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पर आ गया है। इसको कुछ नहीं करना, बाकी सब ठीक ठाक रहता है। ओके पर क्लिक करना है, इसको उठा कर कहीं आप इस साइड कहीं भी आप इसको रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए ये डिस्प्ले कैप्चर, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए आपको गायब हो जाता है। अगर इस पर क्लिक करूँगा देखिए डिस्प्ले वाला काब जो हम डिस्प्ले पर देख रहे हैं, तो इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये भी आपको गायब हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपको लोगो आ रहा है, तो ऐड क्लिक करके यहाँ से काट कीजिए, इसको इस तरह से काट दीजिए। काटने के बाद आपको काट दीजिए, और कैमरा का जो एंगल होगा उसको आपको ठीक कर लीजिए। देखिए इसे ऊपर में ऐसे उठा लीजिए, ठीक है, ये देखिए ऊपर हो गया आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा अपना मेरा चेहरा भी आ रहा है और डिस्प्ले भी कैप्चर। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग में मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिएगा मैं जो भी काम करूँगा वो क्या होगा, आपको रिकॉर्ड होगा। इसको तरह से नीचे कर देते हैं। ठीक है, जो भी मैं काम करूँगा वो आपको रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने खोला वर्ड, वर्ड पर मैंने क्लिक किया, जो भी डिस्प्ले पर मैं काम कर रहा हूँ वो भी काम हो रहा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए जो भी मैंने काम किया। अब मैंने मैंने काम जैसे हम लोग पूरा काम कर लिए, तो अब हम इसको काट भी सकते हैं। और फिर हम लोग आएंगे अपना OBS पर। ठीक है, इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग OBS पर आ जाते हैं और यहीं से फिर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, स्टॉप कर दिए, अब हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है मिनिमाइज इसको भी कर दिए। अब मैं जो इसमें जाके फोल्डर खोले और इसको हम प्ले करके आपको दिखलाते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने क्लिक कर दिया। आप देखिएगा मैं जो भी काम करूंगा वो क्या होगा, आपको रिकॉर्ड होगा। इसको तो से नीचे कर देते हैं। ठीक है, जो भी मैं काम करूंगा वो आपको रिकॉर्ड होगा। देखिए यहाँ पर वीडियो ठीक कैप्चर में है, देखिए मैंने आपको खोला अति चेहरा वर्ड, यहाँ पर वर्ड देखिए मैंने क्लिक लोगो नहीं आ किया। रहा। जो भी डिस्प्ले पर मैं काम कर रहा हूँ वो भी काम आया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ। देखिए इसमें जो इसका जो डिस्प्ले है, जो चेहरा दे देखिए इसमें लोगो भी ठीक है, नहीं मैंने आ काम रहा है। किया। मैंने मैंने काम जैसे हम लोग थोड़ा काम कर लिए, तो अब हम इसको काट भी सकते हैं। और फिर हम लोग आएंगे अपना OBS पर। ठीक है, इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग OBS पर आ जाते हैं और यहाँ से फिर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अच्छा रिकॉर्डिंग। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको यूज हम लोग किए और वेब कैम को भी यूज कर लिए। ऐसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।